दिल्ली और हरियाणा के बाद आज पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना लोकसभा कैंपेन लॉन्च कर दिया है और एक बहुत क्लियर कट स्ट्रैटेजी दिख रही है लोकसभा कैंपेन को लेके। एक तरफ जहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, पंजाब में भगवंत मान को चेहरा बनाया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की विधायक तलवंडी साबू से बलजिंदर कौर। मैम, ये क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता था आपकी पार्टी पे भी आरोप लगता था बहुत सेंट्रलाइज्ड पूरा मामला है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर आप लोग हर जगह वोट मांगना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी तब्दीली दिख रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लीडरशिप पहली बार वो एक्सपेरिमेंट दिख रहा है आपकी पार्टी। देखिए, पंजाब के लोगों ने 22 में जब भरोसा करा था तो उनका भरोसा भगवंत मान जी पर था। भगवंत मान जी का नाम उस कैंपेन में लॉन्च होके कि वो ही हमारे सीएम होंगे पंजाब के, तो लोगों ने इतना बड़ा फतवा 92 सीट्स के साथ आम आदमी पार्टी को जता दिया, आम आदमी पार्टी को वोट्स दे दिया। और सबसे बड़ी बात की आम आदमी पार्टी ने जब अपना 22 का कैंपेन लॉन्च करा था तो बहुत सारी गारंटी दी थी, जिसमें बिजली की गारंटी थी, जिसमें महिलाओं को 1-1 हजार रुपये की गारंटी थी, या फिर मोहल्ला क्लिनिक की गारंटी थी, या फिर किसानों के लिए पानी जो उनके खेतों को पहुंच जाए वो गारंटी थी। तो आज अगर हम दोबारा से फिर बात करें कि लोगों ने उस भरोसे को अजमाते हुए फिर से अपना जो सर्वाइवल है वो आम आदमी पार्टी के साथ ही दिखाया है, उन्होंने एक बार फिर से मतलब अपना मन बना लिया है, जैसे माहौल लोगों का दिखता है, उनसे बातचीत करने के बाद पता चलता है कि वंस अगेन दे आर रेडी टू सर्वाइव विद आम आदमी पार्टी दैट इज गोइंग टू बी इन पार्लियामेंट 13-0, मतलब ऑब्वियसली 13-0 का नारा लेके। और सबसे अच्छा नारा जो अभी 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 संसद विच भी भगवंत मान खुशहाल पंजाब ते वधेगी शान, यानी कि साडे मारिया मुख्यमंत्री साहब नू एक बारी फिर पार्लियामेंट दे नां नाल आगे लेते हुए, उनके साथ कैंपेन का मौका लेते हुए पंजाब पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। भी सुन रहा था भगवंत मान साहब कह रहे थे कि उनको पासवर्ड पता है कि काम कैसे कराना है, सरकार किसकी भी हो काम वो करवाना जानते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, आप लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा है पंजाब के बाहर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो कहा जाएगा ना कि ये बैटल जो है मोदी वर्सेस राहुल गांधी की है, इसमें कांग्रेस के सांसदों को ही जिताया जाए वो बेहतर होगा, तो उसको उसकी काट क्या है? देखिए, वो पार्टी पुरानी पार्टियां हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो वो नो डाउट इन दैट कि वो बहुत पुरानी पार्टी है, उनकी जड़ें लोगों ने लगाई थी। पर अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, अगर हम बेसिकली पंजाब से स्टार्ट करें, तो पंजाब में तो वो पूरी तरह से साफ है, पंजाब में तो अकाली दल भी पूरी तरह से साफ है। पंजाब में अगर एक आपके साथी मुझे पूछ रहे थे कि आपका मुकाबला किससे होने वाला है, तो दैट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पर तो 13-0 का माहौल है, यहाँ पे अगर कोई सर्वाइव करेगा तो वो आम आदमी पार्टी करेगी। चैलेंजर कौन है, कांग्रेस है, अकाली दल है, बीजेपी है, कौन है? वो तो है ही नहीं कोई फील्ड में यहाँ पे, तो मतलब दो साल में पूरी तरह से साफ हो गया, अगर कुछ किणका बचा भी था, मतलब ऐसी हनेरी ऐसी आंधी आई थी 22 में कि बड़ी बड़ी जड़ें उखाड़ के यहाँ से फेंक दी, तो अब तो बचा ही नहीं है कुछ। अलायंस की दूसरी तरफ उम्मीद दिख रही है कि अकाली दल फिर से अलायंस में जा सकता है बीजेपी के साथ, तो वो टफ सिचुएशन हो जाएगा आपके लिए, रिवाइवल ऑफ अकाली बीजेपी? नहीं, लोग उस चीज को देख चुके हैं, मतलब अगर उनका अलायंस होता है दैट इज नॉट गोइंग टू फॉर फर्स्ट टाइम इन पंजाब, दैट हैज ऑलरेडी बीन पंजाब में उन्होंने एग्जिस्ट करा था अलायंस के साथ लेके, बट उस चीज का प्रभाव लोग देख चुके हैं, उसको लोगों ने बता लिया है, मगर अब जो भरोसा है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। तो बलजिंदर कौर है आम आदमी पार्टी से, वो कह रही है कि 13-0 का आंकड़ा पंजाब में होने वाला है, आम आदमी पार्टी ही सभी सीटों पे जीतेगी। अहम मसला ये है कि देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और 5 राज्यों में ये अलायंस काम कर रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस की तस्वीर बनकर आ रही है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान से लेके बलजिंदर कौर जैसे नेता ये लगातार कह रहे हैं कि जो 2 साल का कामकाज है उसी पर वोट मिलेगा, भगवंत मान के चेहरे पर वोट मिलेगा, और कांग्रेस या अकाली दल का रिवाइवल पंजाब में फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा, ये आम आदमी पार्टी का दावा पंजाब में। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, मोहाली।